I think I'll be honest. I think it's the visa status. लोग जो है ना मेरी सीवी देखने से पहले ही मुझे नाब हो जाती है एंड आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग बट द वीजा प्लेज अ बिग रोल क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू बोस्ट माय सेल्फ मैं यू नो मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू बट यू नो आई एम जस्ट अ रीसेंट ग्रेजुएट आई हैव 80 पब्लिकेशंस एंड येट यू नो इट्स वेरी हार्ड टू गेट पब्लिकेशंस बट येट यू नो आपको इन लेटर में नो आ जाएगा एंड आई थिंक इट्स You know, the whole policy and all that stuff, I think for me, it was a visa. Achha. So, because you needed... Even though it doesn't show in the sense ki aapko hoga ki yaar, aap to University of Arizona mein gaye, aap USC mein bhi gaye, to aap nazar to aata nahi hai. Lekin zahir hai, yahan tak pahunchne ke liye jitni maine emails ki aur jitne maine talle maare hain, jitne logon ko maine kaha hai, to wo main aapko bata sakta hoon. Zahir hai, upar se to nazar nahi aayega aapko ki yaar, aap kaisi baatein kar rahe ho, aap University of Arizona mein bhi gaye, aap USC mein bhi gaye, to nazar nahi aa raha, lekin Visa, I think, would have made my life much easier. सबके लिए कुछ ना कुछ होता है मैं ये नहीं मुझे नहीं पता कि किसमें ज्यादा हुआ मिसाल के तौर पर रिसर्च फेलोशिप में मुझे इतना मसला नहीं हुआ क्योंकि they really wanted me और वो you know जाहिर है मुझे ना तो बहुत आई कि हम वीजा स्पॉन्सर नहीं करते लेकिन जाहिर है वो मुझे इतनी वो याद नहीं है क्योंकि there are things of the past और मुझे बहुत अच्छी फेलोशिप मिल गई यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में मुझे नहीं फर्क पड़ा इतना इन द सेंस कि वही था वो वीजा स्पॉन्सर भी करते थे रख भी लेते थे अब मिसाल के तौर पर यूएससी में मैंने लोगों से कहा था एक और बनने के लिए तो उन्होंने भी वीजा स्पॉन्सर करना बंद कर दिया तो अब मैंने हाँ तो मैंने ये जरूर देखा है कि मैंने ऐसे हॉस्पिटल जिधर मुझे खुद इंटरव्यू आए थे और मैंने दूसरों के लिए बात की थी तो अब वो दे नहीं रहे तो